नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास पर। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत के सभी बोर्डों ने कक्षा 10वीं 12वीं की नई परीक्षा तारीख को लेकर एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। तो दोस्तों, सभी बोर्डों ने बताया विद्यार्थियों की चिंता परीक्षा नहीं हो रही और रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, सभी बोर्डों ने बताया है कि विद्यार्थियों की केवल एक ही चिंता है कि उनकी बची परीक्षा कब होगी और उनका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, साथ ही बोर्ड ने यह भी बताया है कि जो बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर 44,000 में से 15,000 कॉल लॉकडाउन में आए हैं। यानी कि यहाँ पे बोर्ड ने बताया है कि जो बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर होता है उसमें लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कॉल आए हैं विद्यार्थियों की कि हमारी परीक्षा कब होगी और हमारे रिजल्ट कब आएंगे। साथ ही सभी बोर्डों ने विद्यार्थियों के अन्य सवाल भी बताए, जैसे कि मैडम, इस बार परीक्षा देरी से हो रही है तो क्या रिजल्ट भी देर से आएगा, एडमिशन में भी परेशानी होगी, परीक्षा कब से शुरू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अधिकतर विद्यार्थियों ने बोर्डों से यही पूछा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो कब आएगा और हमारे बचे हुए पेपर कब होंगे और क्या हमारे को एडमिशन में दिक्कत तो नहीं होगी। तो दोस्तों, आगे लिखा हुआ है कुछ इस तरह के प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन में विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए हैं फोन करके। आपकी परीक्षा से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rkela.in, इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो दोस्तों, आगे लिखा हुआ है विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा चिंता परीक्षा ना होने और रिजल्ट देर से आने की सता रही है। तो दोस्तों, विद्यार्थी हैं वे ये सोच रहे हैं कि यदि हमारी परीक्षा 15 मई के बाद बाद होती है तो दोस्तों हमारा यकीनन रिजल्ट है वो जुलाई महीने के अंदर आएगा। तो दोस्तों, अब उनको चिंता ये है कि हमारा अगला एडमिशन कब होगा, हमारी अगली कक्षा में एडमिशन कब होगा और हम अगली कक्षा की तैयारी, एक साल तो मिलेगा नहीं हमारे को क्योंकि 6-7 महीने ही मिल पाएंगे, तो हम अगली कक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, उनको ये सबसे बड़ी चिंता सता रही है। आगे लिखा हुआ है परीक्षा ना होने से उन्हें तनाव भी हो रहा है, यानी कि अभी तो पिछली परीक्षा ही नहीं हुई है और मंडल की हेल्पलाइन में अब तक 44,000 कॉल आए हैं, इसमें लॉकडाउन के दौरान 15,000 कॉल है, यानी कि लॉकडाउन में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनकी बची परीक्षाओं के लेकर। आगे लिखा हुआ है मंडल के अधिकारियों का कहना है कि 80% से अधिक कॉल परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के हैं, इसके अलावा भोजन और राशन ना मिलने की शिकायतें भी बच्चे कर रहे हैं, उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, काउंसलिंग कर दूर किया जा रहा तनाव। काउंसलर का कहना है कि कभी भी हेल्पलाइन में इतने ज़्यादा कॉल नहीं आए जितने लॉकडाउन के दौरान आए हैं। अभी एक दिन में 700 से 800 कॉल आ रहे हैं। खास बात यह है कि परीक्षा ना होने के कारण बच्चों का तनाव हो रहा है। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है काउंसलिंग कर उनका तनाव दूर किया जा रहा है, साथ ही उनके अभिभावकों को भी ध्यान रखने को कहा जा रहा है। तो दोस्तों, बोर्ड ने बताया है कि उनके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे और साथ ही उनके जो अभिभावक हैं वो भी उन्हें समझाएं कि परीक्षा होगी, आप तैयारी रखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड ने यहाँ पे जानकारी दी है, जैसे कि यहाँ पे सवाल था एक विद्यार्थी का लॉकडाउन खत्म होने के बाद परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों, ये तो सभी विद्यार्थियों का सवाल है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड ने जवाब दिया है, मंडल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन बाद परीक्षा ले ली जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि परीक्षा होगी ही नहीं, हमें सीधा ही पास कर दिया जाएगा बिना परीक्षा। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी बोर्डों ने बता दिया है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके ठीक 10 दिन के बाद में आपकी बची परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। विद्यार्थी ये भ्रम में ना रहें कि हमारी परीक्षा नहीं होगी। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो ये है, किसी विद्यार्थी का, इस बार रिजल्ट देर से घोषित होगा तो एडमिशन की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि जैसे आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हो, ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई अगस्त के अंदर आएगा, तो दोस्तों आपको 11वीं में प्रवेश लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें बोर्ड ने जवाब दिया है कि परीक्षा होने के बाद इस संबंध में विभाग जानकारी देगा, यानी कि जब आपकी बची परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में जब रिजल्ट निकाला जाएगा तो दोस्तों विभाग आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा, बोर्ड आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। दोस्तों, आगे जो सवाल है वो ये है कि परीक्षा नहीं होने से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तनाव हो रहा है, कृपया क्या करें। दोस्तों, यहाँ पे जो जवाब आया है, परीक्षा होगी, अपनी तैयारी जारी रखें और तनाव ना लें। तो दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि आप इस भ्रम में ना रहें कि हमारी परीक्षा नहीं होगी। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस भ्रम में ना रहें, बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा होगी, अपनी तैयारी जारी रखें और तनाव ना लें। तो दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा कॉल हेल्पलाइन में आए हैं,
एक दिन में करीब 700 से 800 कॉल आ रहे हैं। इसमें भोजन और राशन ना मिलने की शिकायतें भी बच्चे कर रहे हैं, उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। ये यहाँ पे डॉक्टर हेमंत शर्मा, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यहाँ पे उन्होंने बात कही है। तो दोस्तों मेन बात तो यही है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि परीक्षा है लॉकडाउन के 10 दिन बाद होगी, साथ ही परीक्षा है वो जरूर होगी, अपनी तैयारी जारी रखें और बच्चे तनाव ना लें। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आगे जो एडवर्टाइज दिया गया है वो भी जरूर देखना दोस्तों। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस, एडवांस के लेवल तक, तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट।